सप्लीमेंट्री में निकाली बेटा रीडर चैप्टर फर्स्ट द इन्वेंटर हु केम हिज प्रॉमिस। इन्वेंटर मीन्स आविष्कार करने वाला, हु केम जिसने की, केम मीन्स रखा अपना वचन अपना वायदा, आविष्कार जिसने की अपना वचन पूरा किया। When you want to read at night, you simply press a switch and the electric lamp gives you light. जब कभी भी तुम पढ़ना चाहते हो रात को, you simply press a switch, तो तुम क्या करते हो, एक बटन दबाते हो and the electric lamp, और जो विद्युत प्रकाश है, जो विद्युत लाइट है, जो वो आपको रोशनी देता है। Do you know इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक लैम्प? क्या तुम जानते हो कि जो विद्युत लैम्प है उसका जो आविष्कार है वो किसने किया? ही वाज एन अमेरिकन नेम्ड थॉमस एल्वा एडिसन। वह कौन था? अमेरिकन था और उसका नाम क्या था? थॉमस एल्वा एडिसन। इवन इन चाइल्डहुड एडिसन लव्ड टू डू एक्सपेरिमेंट्स। अपने बचपन में एडिसन प्रयोग करना पसंद करता था। ही वाज फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, और वह प्रश्न पूछने का शौकीन था। एंड ही वाज नेवर सेटिस्फाइड टिल ही गॉट द राइट आंसर, और वह उनको कभी भी संतुष्टि नहीं मिलती थी जब तक कि उसको सही आंसर नहीं मिल जाता था। There are many stories about his childhood and here are a few of them. अनेक कहानियां उनसे उनके बारे में हैं, बचपन के बारे में, and here are a few of them, उनमें से कुछ यहाँ भी हैं। One day, when young Edison was at school, the teacher was telling the children a story about birds. जब Edison छोटा था और वह स्कूल में पढ़ता था, द टीचर वाज टेलिंग द चिल्ड्रन ए स्टोरी अबाउट द बर्ड्स, तो एक तो अध्यापिका एक पक्षियों के बारे में एक कहानी सुना रही थी। ही गॉट अप एंड आस्क्ड द टीचर, वह उठा और अध्यापिका से प्रश्न पूछा, मैडम व्हाई कांट मैन फ्लाई लाइक ए बर्ड, मैडम मनुष्य पक्षी की तरह से क्यों नहीं उड़ सकता? बिकॉज मैन हैज नो विंग्स, रिप्लाइड द टीचर, अध्यापिका ने उत्तर दिया कि क्योंकि उसके पंख नहीं होते, क्योंकि मनुष्य के पंख नहीं होते इसलिए वह नहीं उड़ सकता। द यंग बॉय थॉट फॉर ए मोमेंट, छोटा बच्चा था एडिसन जब, उसने एक पल के लिए सोचा और फिर उसने दोबारा पूछा, बट काइट्स हैव नो विंग्स एंड स्टिल वी कैन फ्लाई देम इन द स्काई। उसने कहा फिर, लेकिन पतंग के भी पंख नहीं होते और फिर भी हम उनको आकाश में उड़ाते हैं। ऑल द अदर बॉयज लाफ्ड एंड द टीचर लॉस्ट हर पेशेंस। जो अन्य बॉय थे क्लास में, दूसरे बच्चे थे, वो हंसने लगे और टीचर ने अपना धैर्य खो दिया। सी थॉट द बॉय वाज स्टूपिड एंड नॉटी, टीचर ने सोचा कि जो लड़का है एडिसन वो मूर्ख और शरारती है। एंड सी आस्क्ड हिज पेरेंट्स, और उसने उनके पेरेंट्स से कहा टू टेक हिम आउट ऑफ स्कूल, स्कूल से ले जाने के लिए, यानी कि स्कूल से उसको निकाल दिया गया। हिज पेरेंट्स टूक
him home, but they knew that he was not a stupid boy. Edison was just 8 years old when this happened. उसके माता पिता उसको घर ले गए, but they knew, लेकिन वे जानते थे कि that he was not a stupid boy, कि वह एक मूर्ख लड़का नहीं था. Edison was just 8 years old. Edison केवल 8 साल का था जब उसके साथ यह घटना घटित हुई. Young Edison found in his mother his best teacher. छोटे बच्चे की जो माँ थी वो उसके लिए सबसे बड़ी अच्छी अध्यापिका थी. She was patient enough to answer all his questions and with her help and guidance he made good progress. वह एडिसन के प्रश्नों का सही और धैर्यपूर्वक उत्तर देती थी और उसको उसका हर तरह से मार्गदर्शन करती थी. He used to observe things very closely. Edison हर चीज को बड़ी बारीकी से देखते थे and do a lot of experiments और प्रयोग करता था. Some of his experiments were silly, but he learned a lot from them. जो उसके एक्सपेरिमेंट थे, जो एडिसन के जो प्रयोग थे वो मूर्खतापूर्ण रहे उसके, बट ही लर्न्ड ए लॉट फ्रॉम देम, लेकिन उन प्रयोगों से भी उसने कुछ ना कुछ सीखा था. वन मॉर्निंग ही वॉज वॉचिंग ए बर्ड. एक सुबह जब वह पक्षी एक चिड़िया को देख रहा था, इट फ्लू डाउन टू द ग्राउंड. वह उड़कर पृथ्वी पर आई, पिक्ड अप ए फ्यू बॉल्स इन इट्स बीक एंड फ्लू अवे. उसने अपनी चोंच में कुछ कीड़े पकड़े और उड़कर चली गई. दिस गेव यंग एडिसन एन आइडिया. इससे छोटे एडिसन को एक विचार आया. द बर्ड इज एबल टू बी फ्लाई बिकॉज इट इज बॉर्न. चिड़िया क्यों उड़ रही है? क्योंकि इट ईट्स बॉल. यह कीड़े खाती है इसलिए उड़ रही है. मैन कैन ऑल्सो फ्लाई इफ ही ईट्स बॉल. आदमी भी उड़ सकता है यदि वह कीड़े खाए. ही सेड टू हिमसेल्फ. उसने अपने आप सोचा, अपने आप से कहा. ही वांटेड टू ट्राई द एक्सपेरिमेंट ऑन समवन. वह चाहता था ट्राई मीन्स कोशिश करना. एक्सपेरिमेंट ऑन समवन. वह इस प्रयोग को किसी दूसरे पर करना चाहता था. ही कॉट होल्ड ऑफ ए फ्यू बॉल्स. उसने कुछ कीड़े पकड़ लिए. पीट देम. उनको क्या कर लिया, कुचल लिया. इन टू ए पल्प एंड मिक्सड इन वाटर. और उसकी एक पल्प में लुगदी बना ली एंड मिक्सड इन वाटर और पानी में मिक्स कर लिया. ही टुक द मिक्सचर टू ए सर्वेंट गर्ल. और वह मिक्सचर, वह जो मिश्रण था वो उसने किसको दिया, एक सर्वेंट लड़की पर, नौकरानी लड़की आती थी उसको दिया. एंड सेड टू हर. और उससे कहा, दिस इज ए वंडरफुल मिक्सचर. यह एक अद्भुत मिश्रण है. इफ यू ड्रिंक दिस, यदि तुम इसको पियोगी, यू कैन फ्लाई, तो तुम उड़ सकती हो. लाइक ए बर्ड मीन्स एक चिड़िया की तरह से, एक पक्षी की तरह से तुम उड़ सकती हो. कम ऑन ड्रिंक इट एंड सी. चलो इसको पियो और देखो. द पुअर गर्ल बिलीव्ड हिम. जो गरीब लड़की थी बेचारी, उसने उस पर विश्वास कर लिया एंड ड्रैंक द मिक्सचर. और उस मिश्रण को पी लिया. वेयर सी डिड नॉट फ्लाई. ठीक है, वह उड़ी तो नहीं, बट सी फेल इल. लेकिन क्या हो गया, वह बीमार पड़ गई. यंग एडिसन मदर, जो छोटा एडिसन था उसकी माँ ने उसको चेतावनी दी थी, नॉट डू सच सिली एक्सपेरिमेंट्स. ऐसे ने उसकी माँ ने चेतावनी दी थी कि ऐसे मूर्खतापूर्ण प्रयोग वो ना किया करे. वंस ही वेंट टू ए पोल्ट्री फार्म विद हिज मदर. वह एक बार अपनी माता के साथ एक मुर्गी पालन, पोल्ट्री फार्म से मुर्गी पालन के, जहाँ मुर्गी पलती हैं, मुर्गी के मुर्गी पालन केंद्र पर गया.
There he saw a hen. वहाँ उसने एक मुर्गी को देखा. It was sitting on its eggs. वह मुर्गी अपने अंडों पर बैठी हुई थी. He asked his mother about it and she answered. उसने अपनी माँ से पूछा इसके बारे में और उसने उसकी माँ ने उत्तर दिया. The hen is hatching its eggs. जो मुर्गी है वो अपने अंडों को से रही है. After some time, कुछ समय बाद chickens will come out of eggs. इनमें से कुछ चूजे निकलेंगे. Why can't I hatch eggs? Thought young Edison. अब जो छोटा एडिसन था वो सोचने लगा मैं क्यों नहीं अंडों को सह सकता. The next morning, अगली सुबह he got a dozen eggs. ने क्या किया? एक दर्जन अंडे ले आया and sat on them. और ऊपर बैठ गया. He got up after some time. और वह कुछ समय बाद उठा. But he did not find any chickens. तो उसने देखा कुछ समय बाद उठा तो लेकिन उसमें से कोई चूजे नहीं निकले. He had only smelled the eggs. क्या हुआ? जो अंडे थे वो फूट गए and spoiled his shorts. और उसका जो नेकर था वो खराब हो गया. He got a good beating from his mother that day. और उसने उसकी माँ ने उस दिन उसकी बहुत पिटाई की. ए रियली फनी बॉय वाज नॉट ही. वास्तव में यह लड़का बहुत मजेदार लड़का है. ही फेल्ड इन ऑल दीज एक्सपेरिमेंट्स. वह अपने सारे प्रयोगों में असफल हुआ. बट ही हैड लर्न्ड समथिंग फ्रॉम देम. लेकिन फिर भी उसने उन एक्सपेरिमेंट से उन प्रयोगों से कुछ ना कुछ अवश्य सीखा. ही हैड लर्न्ड दैट हिज आइडियाज वर रॉन्ग. उसने सीखा कि जो उसके जो विचार हैं वो क्या है गलत थे. ही वॉज फॉन्ड ऑफ बुक्स. उसको किताबों का शौक था. एंड रीड क्वाइट ए लॉट ऑफ देम. और उसने उन किताबों को पढ़ा भी था. हिज फादर गेव हिम 25 सेंट्स फॉर एवरी बुक ही रीड. उसके पिताजी उसको किताब पढ़ने के लिए किताबों के लिए 25 सेंट देते थे. ही रीड क्वाइटली विद द पॉकेट मनी ही गॉट. वह किताबों को पढ़ता था लाता था और जो भी पैसा उसे जेब खर्च के लिए मिलता था उनसे भी वह किताबें खरीदता था और उनको पढ़ता था. ही बॉट मोर बुक्स एंड सेट अप ए स्मॉल लेबोरेटरी. और उसने बहुत किताबों को पढ़ा और एक छोटी सी प्रयोगशाला भी उसने स्थापित कर ली. हिज मदर एनकरेज्ड हिम. हिज मदर एनकरेज्ड हिम एंड हेल्प इन हिज एक्सपेरिमेंट्स. उसकी माँ उसको प्रोत्साहित करती थी और उसके प्रयोगों में उसकी सहायता भी करती थी. आफ्टर सम टाइम एडिसन फाउंड दैट ही नीडेड मोर मनी टू कैरी ऑन विद हिज एक्सपेरिमेंट्स. कुछ समय बाद एडिसन को लगा कि उसे अधिक पैसों की आवश्यकता है. अपने प्रयोगों को करने के लिए उसे और अधिक पैसों की आवश्यकता है. एंड ही वांटेड मोर बुक्स एज ही हैड रीड ऑल द बुक्स ही हैड एट होम. और वह चाहता था अधिक किताबों को लेना क्योंकि जो किताबें उसके पास घर पर थी वह उनको पढ़ चुका था. ही वांटेड टू गो आउट एंड सी न्यू प्लेसेज एंड न्यू पीपल. वह बाहर निकलना चाहता था और नए स्थानों को और नए लोगों से मिलना चाहता था. ही वांटेड टू रीड न्यू बुक्स एंड टू इम्प्रूव हिज नॉलेज. वह नई किताबों को पढ़ना चाहता था और अपने ज्ञान में
ज्ञान को भी सुधारना चाहता था, सो ही डिसाइडेड टू टेक अप ए जॉब इन द रेलवे। इसलिए उसने रेलवे में एक नौकरी करने का निश्चय कर लिया। एट फर्स्ट हिज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक दिस आइडिया। पहले तो उसके जो माता पिता थे डिड नॉट लाइक, उनको ये विचार अच्छा नहीं लगा। एज ही वाज जस्ट 12 इयर्स ओल्ड, क्योंकि वह केवल 12 वर्ष का था। बट दे एग्रीड, लेकिन वे सहमत हो गए। व्हेन ही गेव देम गुड रीजंस फॉर हिज डिसीजंस, जब एडिसन ने इस अच्छे तर्क वितर्क दिए अपने इस कारण के, तो वह सहमत हो गए। सो एडिसन बिकेम ए न्यूज़पेपर बॉय। इस अतः एडिसन जो था वो क्या बन गया, एक अखबार बेचने वाला बच्चा बन गया। अखबार बेचता था एंड ट्रेवल्ड अप, और यात्रा करता था एंड डाउन द ट्रेन टू डेट्रॉइट, और डेट्रॉइट से आने जाने वाले यात्रा करता था ट्रेन में। ही सोल्ड न्यूज़पेपर, वह अखबार बेचता था, स्वीट्स मिठाई बेचता था एंड फ्रूट्स और फल बेचता था। एंड अर्न्ड $2 ऑन द फर्स्ट डे, और उसने कितने पैसे कमाए, सबसे पहले $2, पहले दिन में कमाए थे उसने $2, $2 कमाए थे उसने। ही सेड टू हिज मदर एट सपर दैट नाइट, सपर कहते हैं रात्रि के भोज को। ही सेड, उसने अपनी माँ से कहा रात्रि भोज में, टेक दिस डॉलर, यह डॉलर लीजिए माँ। एवरी नाइट, हर रात को, आई शैल गिव यू ए डॉलर फ्रॉम व्हाट आई अर्न, मैं जो कुछ भी कमाऊंगा उसमें से $1 तुम्हें रोजाना दूंगा। एंड ही केप्ट हिज प्रॉमिस, और उसने अपना वचन भी पूरा किया। ए ईयर और टू लेटर, एक और दो साल पीछे बाद, एडिसन डिसाइडेड, एडिसन ने निर्णय लिया टू प्रोड्यूस हिज ओन न्यूज़पेपर, अपना समाचार पत्र निकालने का उसने निर्णय लिया। ही बॉट एन ओल्ड प्रिंटिंग प्रेस, उसने एक पुरानी प्रेस खरीदी और उसको रेलवे के डिब्बे में लगा दिया। ही एडिटेड एंड प्रिंटेड हिज पेपर, उसने अपना पेपर खुद छापा। सोल्ड ए नंबर ऑफ कॉपीज, और अनेक कॉपियों को बेचा। एंड मेड मोर मनी, और उसके पास अधिक पैसा हो गया। विद द मनी ही गॉट, ही सेट अप ए स्मॉल लेबोरेटरी इन हिज रेलवे वैगन, इस पैसे से उसने एक रेलवे डिब्बे में एक छोटी सी प्रयोगशाला स्थापित कर ली। व्हेन ही वाज 15, जब वह 15 साल का था, ही मेट विद एन एक्सीडेंट दैट अफेक्टेड हिज कैरियर, जब वह 15 साल का था तो उसके साथ एक दुर्घटना घटित हुई जिसने कि उसके सारे कैरियर को बर्बाद कर दिया। व्हाइल ही वाज डूइंग एन एक्सपेरिमेंट, जब वह एक प्रयोग कर रहा था इन हिज लेबोरेटरी, अपनी प्रयोगशाला में, द ट्रेन टर्न्ड राउंड ए कॉर्नर, तो जो रेलगाड़ी थी वो एक कॉर्नर का कोने से मुड़ी। देयर वाज ए सडन जोल्ट एंड ए बिट ऑफ फॉस्फोरस फेल ऑन द ग्राउंड, तो फॉस्फोरस का एक टुकड़ा उस डिब्बे में गिर गया। एंड इट कॉट फायर, और उसने आग पकड़ ली। बिफोर ही कुड पुट इट आउट ऑफ न्यूज़पेपर हैड कॉट फायर, इससे पहले कि आग बुझाई जाती, द न्यूज़पेपर हैड कॉट फायर, जो अखबार थे उन्होंने भी आग पकड़ ली। द फायर स्प्रेड एंड एडिसन शाउटेड फॉर हेल्प, आग बढ़ती गई और एडिसन मदद के लिए चिल्लाया। द गार्ड केम इन, जो सुरक्षाकर्मी था वो अंदर आया। एंड टूगेदर दे वर एबल टू पुट आउट द फायर, और दोनों ने मिलकर उस आग को बुझाई। बट दैट वाज द एंड ऑफ एडिसन सर्विस, लेकिन यह एडिसन की सर्विस का अंत था। ऑन द ट्रेन, गाड़ी में, ही वाज डिसमिस्ड एट द नेक्स्ट स्टेशन, और उसको अगले स्टेशन पर निकाल दिया गया।
टीचर उनको भी चेक करा लेंगे। हाँ बच्चों, कल फ्राइडे यानी कि 24 जुलाई को आपकी नोटबुक चेक की जाएगी, इसलिए सब बच्चे अपनी नोटबुक को स्कूल में जमा कर दें, ठीक है? सारे सब्जेक्ट कहेंगे।